आप सबको स्वागत है। आज हम 13 अप्रैल के ईश्वरवरदान में आ चुके हैं। साधना शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साधना का अर्थ क्या है आज उसके बारे में हम समझेंगे परमपिता परमात्मा के अपने ही शब्दों से। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है कि हम उनसे कैसे संबंध जोड़ें ताकि हमारा जो यथार्थ सच्चा हमारा जो साधना कहें तपस्या कहें वो हो पाए हमारी। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि दिल के सच्चे संबंध द्वारा किसी से भी अगर संबंध जोड़ना होता है तो वो दिल का संबंध होता है। ऊपर ऊपर से बुद्धि से भी संबंध जोड़ते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो दिल से जुड़ा हुआ संबंध होता है वो अलग होता है। आपको उसकी पहचान है ही 100%। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भवा। तो परमात्मा से दिल का संबंध अगर जुड़ गया, मतलब वाला नहीं, मतलब वाला तो हम दुनिया वालों से करते हैं, मेरा ये काम कर दो ना, मेरा ये काम करा दो ना, ये वाला संबंध परमात्मा से नहीं। तो परमात्मा कहते हैं साधना अर्थात शक्तिशाली याद, सिंपल चीज। साधना बहुत बड़ा शब्द है, हमने सोचा है कि या साधना में हमें पलिटी बोलते हैं या चौकड़ी मार करके बैठना पड़ता है और घंटों घंटों सांसों पर ध्यान करके बिल्कुल आंखें बंद करके चारों तरफ से संकल्प को छोड़ करके और बिल्कुल शून्य हो जाना। परमात्मा कहते हैं वो भक्ति मार्ग की साधना, लेकिन सच्ची साधना क्या है, परमात्मा से हमारी याद जुड़े, वो है सच्ची सच्ची साधना। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध, सिंपल चीज, दिल का सच्चा संबंध। तो दिल का सच्चा संबंध तभी हो पाता है जब आप एक दूसरे से सच्चे हो। परमात्मा तो सत्य हैं, लेकिन हमें भी उनके साथ में कैसा बनना पड़ेगा, सत्य। कुछ गलती करी, सच बताया, कुछ अच्छा किया, बाबा आज ये सेवा करी, आज ये किया, भगवान बता दिया सीधा। लेकिन बताने के लिए भी ये भी तो पता होना चाहिए वो रहते कहाँ हैं, जो कि आपको सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी। इसमें जैसे योग में शरीर के एकाग्र होकर बैठते, योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। मन में उनसे बातें कर रहे हैं, बुद्धि उनको देख रही है, और हमारे संकल्प, श्वास, मन, बुद्धि और दिल, फीलिंग्स, भावनाएं सब उनसे जुड़ जाएं, सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाएं। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है। आराधना में क्या करते हैं, हे प्रभु ये कर दो, हे प्रभु हे मालिक ये कर दो, हे भगवान हे वाहेगुरु ये कर दो मेरे लिए, हे वाहेगुरु मेरे लिए ये हो जाए तो अच्छा होगा, भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके लिए ये कर दू, या आप मेरे को ठीक कर दो, या आप मेरे को स्वस्थ कर दो, या आप मेरे धन दे दो मुझको तो मैं ये कर पाऊं जीवन में। परमात्मा कहते हैं वो आराधना नहीं करनी है। फिर परमात्मा कहते हैं बाप के साथ साथ बैठ जाओ, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं है तो फिर आराधना चलती है। कभी याद करते कभी फरियाद करते कि भगवान ये अगर मेरे पास होता तो मैं आपको अच्छे से याद करता। कुछ लोग होते ना, क्या हम ये कंडीशन डालते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में कि अगर आप मेरी मदद करो, हेल्प करो मुझे, तब जाकर मैं आपको याद करूं। तो ये चीज हम परमात्मा के साथ में, भगवान के साथ में कैसे कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जब हम याद कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं, संबंध बिना कोई लेन देन का ही संबंध है परमात्मा से। इंसान के साथ में आप लेन देन करते हैं, लेकिन भगवान के साथ में लेन देन नहीं, परमात्मा से देते हैं लेते कुछ नहीं है। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। दिल से संबंध है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब आपका दिल कहीं और लगा हुआ है। आपको चेक करना है कि दिल कहाँ लगा है इस दुनिया में, उस जगह से दिल को आपको हटाना है और सोचना है क्या वो सच्चा है संबंध जहां दिल लगाया हुआ है, क्या वो हमेशा का है संबंध जहां दिल लगाया हुआ है। तो लगाएं तो किससे लगाएं, सच्चा और सदा का, तब जाके आपका योग हो जाएगा, मतलब कि आपकी याद ठहर जाएगी और आपको मेडिटेशन आ जाएगी। सिंपल सी बात है, दिल को चेक करो कहां लगा है और किनारों से हटाओ और सेंटर में लाओ परमात्मा के साथ। यही सारी चीजें आपको सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी में, दिल कैसे जुड़े परमात्मा के साथ में आपको सिखाया जाता है। आप भी आकर सीखिए इसको। ओम शांति इसके साथ।